तुम्हारे साथ शिफ्ट होने का सोच रहा हूं ना। अकेले तो नहीं जा रहा मैं, वापस सिर्फ तुम्हारे लिए आ रहा। अगर मुझे अकेले जाना होता तो मैं वापस ना आता। भाभी ना तो मैं कोई इल्जाम लगा रही थी और ना ही कोई ड्रामा कर रही, बस इतना ही कहूंगी कि अपनी बेटी की तरबियत अपने जैसी मत करें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तरबियत पर सवाल करने की? हाँ भाभी ने जो कुछ मेरे लिए किया है ना, उसके सामने ये सब कुछ बहुत थोड़ा है जो मैं उनके लिए कर। आपका गुरूर तोड़ना चाहती थी। औरत का गुरूर वैसे टूटे ना टूटे, मगर जहाँ बात अपनी औलाद की आजमाइश की आती है वहाँ जरूर टूट जाता। वाल मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लो। मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि मैं दो दिन पहले नया ऑफिस ज्वाइन कर चुकी हूँ और कंपनी अच्छी है, पैकेज भी अच्छा है। What? How could you do this? मैं तुम्हें किसी और कंपनी में जॉब नहीं करने दूंगा। तुम्हें ज्वाइन करने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था नवाल। हमजा प्लीज डोंट बी अग्रेसिव। मैं तुम्हारा ऑफिस नहीं ज्वाइन कर सकती। अगर मैंने तुम्हारा ऑफिस वापस से ज्वाइन किया तो पता है क्या होगा? क्या होगा? सब हमारे अफेयर को सच समझेंगे, मेरे किरदार पे उंगलियां उठेंगी, मुझे ये गवारा नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ता है? अफेयर था तो झूठ तो नहीं था ना, सच था। हमारी मंगनी हो गई है, शादी होने वाली है। तुम सोचो अगर बात सर्कल में निकलेगी कि मेरी होने वाली बीवी किसी और कंपनी में जॉब करती है तो मेरे लिए कितना एम्बैरेसिंग होगा। आई एम सॉरी नवाल, तुम एक बार फिर जिद में आकर गलत कदम उठा रही हो। हमजा प्लीज, मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहस मत कर। नवाज तुम्हें हमेशा अपनी बात क्यों ठीक लगती? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। नवाज फलक, हेलो, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कहाँ गायब हैं? ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। हाँ थोड़ी बिजी थी, तुम बताओ। तुम क्या लोगी? अब जो भी तुम ले रहे हो मेरे लिए। मेरे हेलो, आप ही आप कहीं बाहर हैं? और ये क्या हमजा की आवाज थी ना? हाँ हाँ लंच पे आए हुए। चलो फलक चुप क्यों हो गई? मैं आज खास मकसद से आई हूँ आपके पास। जी जी कहिए। मेरी बीमारी में नवाल ने जितनी मेरी खिदमत की ना, मेरा ख्याल रखा, मेरी बेटी से भी ज़्यादा। माशाल्लाह कितनी प्यारी बच्ची है, आपने इतनी अच्छी तरबियत दी है बच्ची को। बहुत शुक्रिया आपका। बस मैं चाहती हूँ कि उसकी और हमजा की फ़ौरन शादी हो जाए और मैं बहू बना के उसे घर ले जाऊँ, ताकि मेरा सोना सोना घर भी ना बस जाए। जी हमजा भी यही चाहता है। मैं जानती हूँ आप कहेंगे कि मैं जल्दबाजी कर रही हूँ, लेकिन बेटियाँ जितनी जल्दी अपनी घर की हो जाए ना बेहतर होता है। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त तो दें। मैंने तो इस बारे में भी सोचा भी नहीं, ना ही किसी से मशवरा किया। ठीक है, आपको जिससे मशवरा करना है कर लीजिए, लेकिन ज़्यादा वक्त ना लीजिए प्लीज़। वैसे एक बात कहना चाह रही हूँ मैं, आप कुछ ज़्यादा जल्दी में हैं, इतनी जल्दी ना करें प्लीज़। हम लड़की वाले हैं, हमें थोड़ा तैयारी का वक्त तो चाहिए। नहीं नहीं तैयारी की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं, जो है जैसा है बिल्कुल ठीक है। और बच्चों को जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ना शादी के बाद, वो खुद ही ले लेंगे अपने लिए। आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? बहुत शुक्रिया आपने इतना एहसास किया, लेकिन देखें ना रस्में दुनिया है और वैसे भी कुछ ना कुछ तैयारी तो हमें करनी होगी। आप इस चीज़ के लिए प्लीज़ मना ना करें। चलें जैसे आपकी मर्ज़ी। आप प्लीज़ लीजिए ना। हाँ, I want everyone in the meeting. आप प्रेजेंटेशन तैयार करें और कोई भी मेंबर मिस ना हो। यू मे गो नाउ। एंड यू हैव 5 मिनट्स राइट? हेलो फलक, तुम यहाँ? सब खैरियत है? हाँ बाबा सब ठीक है, घर में अकेली बोर हो रही थी तो सोचा साथ में लंच करते हैं। कम से कम मुझे बता देती, मुझसे पूछ लेती, कॉल कर लेती मुझे। सोचा खुद जाके आपको सरप्राइज दूं, कैसा लगा आपको सरप्राइज?
कबीरा प्लीज ये मत कहिएगा कि आप बिजी हैं। पलक मैं एक्चुअली बहुत बिजी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं नहीं छोड़ सकता। हाँ तो मीटिंग्स कैंसिल कर दें, आप इस ऑफिस के बॉस हैं, चले ना, मुझे बहुत भूख लगी है। पलक लिसन, तुम अभी घर जाओ, हम कोई लंच वंच नहीं कर रहे, मैं घर आकर बात करता हूँ, ओके? कबीर भी इतनी दूर से आपके लिए आई हूँ ताकि हम साथ लंच कर सकें और आप चंद मीटिंग्स कैंसिल नहीं कर सकते। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, टाइम नहीं है मीटिंग में। क्या कुछ सोचा था मैं, साथ वक्त गुजारेंगे, लंच करेंगे, अगर आपको तो मेरी फीलिंग्स का कोई एहसास ही नहीं है, आपको तो बस अपना बिजनेस अजीज है, मेरी आपको कहाँ परवाह है कबीर। मेरी गलती थी, I'm sorry. फलक मेरी बात तो सुनो फलक। सर क्लाइंट आपका वेट कर रहे हैं मीटिंग के लिए। ठीक है आप जाइए। मैं सोफिया बेगम आई थी, शादी का कह रही हैं। मम्मी इतनी जल्दी? इतनी जल्दी कहाँ है नवाल, फलक से बड़ी हो तुम। बेटियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए ना उतना ही अच्छा होता है। लेकिन अम्मी जिस वक्त मैंने प्रपोजल के लिए हाँ की थी इस वक्त यही तय हुआ था कि शादी कुछ वक्त बाद होगी, मुझे कुछ वक्त तो दें। बेटा उस वक्त हालात कुछ और थे और आज कुछ और है। सूफिया बेगम से हम मिल चुके हैं, देख लिया है वो किस कदर डिसेंट और सोबर खातून है। हमजा का रवैया भी सामने ही है तुम्हारे, पहले तुम्हें डर था कि वो चीटिंग करेगा दोबारा, अब तुम जानती हो वो तुम्हारे साथ मुखलिस है, परख चुकी हो तुम उसे। एक बात कहूँ तुमसे बेटे, हर काम का एक वक्त होता है और मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी शादी के लिए ये वक्त सबसे बेहतर है। सारी तैयारियाँ इतनी जल्दी कैसे होंगी? सब हो जाएगा, एक दो माह का टाइम लेंगे शादी के लिए और इतना अरसा काफ़ी है तैयारी के लिए। हमजा बहुत अच्छा लड़का है और मुझे यकीन है वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मैं भाई भाभी से भी कॉल करके बात कर लेती हूँ, देखती हूँ वो क्या कहते हैं इस बारे में। अरे वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? ओह लगता है बहुत थक गए आज तुम। जी भाभी आज इतना काम था, एक के बाद एक मीटिंग थी, टाइम ही नहीं मिला। हाँ तुम काम भी तो इतना करते हो और आज वाकई देर कर दी तुमने आने में। एक काम करो ना, तुम चेंज कर लो, मैं चाय बनवा देती हूँ तुम्हारे लिए। भाभी चाय नहीं, खाना खाऊंगा, बहुत भूख लग रही है, आज तो लंच करने का मौका भी नहीं मिला। मैं फलक से कहता हूँ कि खाना लगवा दे। वो घर पे नहीं है। घर पर नहीं, कहाँ गई है वो? पता नहीं मुझे तो, है ना? अच्छा मैं फोन करके पता करता हूँ उससे। हाँ देख, तुम कहाँ पे थे? यहाँ पर। और गॉब्लिंस क्या कह रहे थे? सारा दिन घर बैठे बोर होते रहो और जब फ्रेंड्स के साथ बाहर तो कॉल्स कर रहे हैं। हाँ हाँ इकलौती बहन हो बेटा, तुम्हारे बगैर शादी कैसे हो सकती तुम्हारे भाई की? परेशान मत हो, अभी तो बात ही की है, 2 महीने के बाद ही होगी। भाई अपडेट्स भेजती रहूंगी ना मैं तुम्हें, ऑफ कोर्स, बस अपने और बच्चों का ख्याल रखना। ओके ओके बेटा, बाद में बात करेंगे, खुदा हाफिज। सुल्तान आंटी से बात हो गई? हाँ हाँ मैं गई थी उनसे बात करने, वो कह रही थी कि वो नवाल से और अपने भाई से ना मशवरा लेके फिर हमें बताएंगे। अच्छा मेरी अभी नाजिश से बात हो रही थी, उसने कहा कि उसके बच्चों के ना फाइनल पेपर्स हैं 1 महीने में, उससे पहले तो नहीं आ सकेगी, तो क्यों ना हम
दो महीने बाद फंक्शन रखें ताकि सबके लिए इजी हो जाए। दो महीने बाद? बहुत लंबा अरसा नहीं? इतना टाइम तो चाहिए होता है ना, शादी है मजाक थोड़ी है, इतनी सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं और उनको भी तो वक्त चाहिए। ठीक है, कर लेंगे वेट। बेगम साहिबा खाना लग गया है। हाँ चलो चलो चलो। पलक कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? बिजी थी। बिजी थी? क्या मतलब बिजी थी और कहाँ बिजी थी? मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा था, इस बात का एहसास है तुम्हें? आपको एहसास है मेरा? नहीं तो फिर परेशान क्यों हो रहे थे? ये परेशानी ना बेमायने की, इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको परवाह तो है नहीं मेरी। पलक ये किस किस्म की बातें कर रही हो, मुझे तुम्हारी परवाह क्यों नहीं होगी? अगर आपको मेरी परवाह होती ना तो आप इस तरह बेदर्दी से मुझे मना ना करते। फलक इतनी छोटी सी बात पर तुम नाराज हो रही हो, ये कोई नाराज होने वाली बात है? कितना अच्छा था मूड मेरा, खराब कर दिया आपने सब कुछ। क्या हो जाता अगर आप मेरे साथ एक लंच के लिए चले जाते? नुकसान हो जाता मेरा। मैंने तुम्हें बताया है कि नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए मीटिंग्स हो रही है और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, मैं नहीं छोड़ सकता था। ये सब आपके एक्सक्यूजेज हैं, सब जानती हूँ मैं। फलक तुम्हें जो समझना है ना समझो, मैं और नहीं समझा सकता। हाँ ये भी ठीक है, कैसे समझाऊं मैं आपको कि सब कुछ बिजनेस ही नहीं होता, बिजनेस के अलावा भी आपकी एक लाइफ होती है, मगर ये बात शायद आपको समझ में ही नहीं आएगी। आपको याद भी आखिरी बार हम दोनों साथ कब थे, हमने साथ वक्त कब गुजारा, हम बाहर कब गए? नहीं आपको कुछ याद नहीं है, कैसे याद होगा आपको? मुझे तो लगता है हमारी शादी को कई साल गुजर गए, कुछ महीने नहीं हुए हैं, ना कोई जाम है ना कोई खुशी, कुछ भी नहीं है इस रिश्ते में, कुछ भी नहीं है। अब फलक हम बिलावजह लड़ रहे हैं यार। अच्छा तुम्हें बाहर जाना है ना, मैं बाहर लेके जाऊंगा तुम्हें, बल्कि कल लंच हम साथ करेंगे, खुश? आप ये एहसान भी ना करें मुझ पर, बहुत मीटिंग्स अटेंड की होंगी ना आपने, आप रेस्ट करें, थक गए होंगे ना आप, बस करें हम। फलक हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा, क्या हाल है तुम्हारे? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं, कहीं जा रही हैं? हाँ मैं कुछ दोस्तों से मिलने जा रही हूँ। ओह मुझे लगा था शायद हम बैठेंगे बातें करेंगे। ओह आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था ना, ये प्लान बहुत अरसे पहले बना लिया था, कैंसिल नहीं कर सकूँगी। दो घंटे में आ जाऊँगी मैं ना, तब तक इसके साथ बैठ के गपशप लगाओ। ठीक है, टेक केयर ऑफ होटल, आई कम बैक। ओके वाह, मैं ये देख रहा हूँ कि मामा मुझसे ज्यादा गर्वित हैं तुम्हारे, शादी के बाद पता नहीं क्या होगा। खैर चलो, मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है, चलो आओ। फिर हम लोग फार्मिंग स्टार्ट कर लिया। और फूड स्टॉल कौन कौन से थे? बहुत सारे, मेरे सारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माय डॉल Statue? No, I'm not a doll. I'm a fairy. Fairy. Annual function कैसा रहा? बढ़िया। और कैसा perform किया? बात। ये हुई ना बात। ऐसे तो मेरे पास आओ जरा, जरा। भाभी। हाँ? This is for you. क्या है ये? ये वो काम है जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। हटा दो ना, परेशान कर रहे हो। हमारे business के shares के papers हैं। बिजनेस के आधे शेयर्स मैंने आपके नाम कर दिए। क्या कबीर, इसकी क्या जरूरत थी यार? ऐसी कैसे जरूरत नहीं थी भाई, पहले दिन ये डिसाइड हुआ था ना कि भाभी और मैं इस बिजनेस के 50-50% पार्टनर्स हैं, और वो मैंने इनके नाम कर दिए। अभी तो सिर्फ कागजी कार्रवाई की है। ये सब कुछ तुम्हारा है कबीर, ये तुम ही रखो। नहीं भाभी, ये आपका हक है।
ये मैं नहीं रख सकता, मैं ये ज्यादा कभी नहीं करूंगा। बहुत बहुत मुबारक हो भाभी, अब तो आप ऑफिशियल यादें बिजनेस की मालकिन बन गई हैं। शुक्रिया, ये सब कुछ कबीर का ही है, आज भी और कल। सब कुछ अभी तक संभाल के रखा है, सब कुछ। ये चीजें मेरे लिए बहुत कीमती हैं, ये मुझे हमेशा तुम्हारे याद दिलाती थी। मुझे तो तुम इतना तंग करते थे, मजाक उड़ाते थे मेरा कि मैं छोटी छोटी चीजों को अहमियत देती हूँ, खुद ये सब कुछ संभाल के रखा हुआ तुमने। ये याद है इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें यकीन आ सको कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कितनी गहरी है। बाकी मुझे बहुत हैरान हो गई, आधा बिजनेस आलिया भाभी के नाम कर दिया, एक बार नहीं सोचा। जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया इस घर में, उसके बाद क्या वो इस चीज की हकदार थी? फलक, बिजनेस और घर के मामलात का क्या ताल्लुक? क्यों ताल्लुक नहीं है, हम एक घर में रहते हैं ना। और क्या क्या हरबे नहीं वो इस्तेमाल कर चुकी मुझे इस घर से निकालने के लिए, आपको नजर नहीं आ रहा? कबीर, आप उनके साथ रहना चाहते थे, मैंने एतराज नहीं किया। आपने आधा बिजनेस दे दिया, मैंने एतराज नहीं किया, पर अब जो मैं कह रही हूँ वो आपको सुनना पड़ेगा। ये घर तो कीर भाई के नाम है ना? हाँ। तो ठीक है, आप उनसे कहें कि आधा घर मेरे नाम करते हैं। क्या? ये क्या कह रही हो तुम फलक? तुम पागल हो गई हो? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात? आधा घर मेरे नाम हो जाएगा, मेरे कदम भी मजबूत हो जाएंगे इस घर में, कम से कम आलिया भाभी मुझे इस घर से निकाल तो नहीं सकेंगी। फलक, ये नामुमकिन है, और तुम एक नामुमकिन बात के लिए जिद कर रही हो। और तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकालेगा, भरोसा रखो मुझ पर। क्यों नामुमकिन है? आप कुर्बानी दे सकते हैं तो वो क्यों नहीं? और ये कहाँ लिखा है कि कुर्बानी भी हम दे और जुल्म भी हम सहे? कबीर, बस बहुत हो गया, मैं कोई गलत बात नहीं कर रही हूँ, आप जाके तो कीर भाई से बात करें, ये हक है हमारा। जब सब कुछ आधा दौर है तो फिर ये घर क्यों नहीं? तुमने कह दिया, मैंने सुन लिया, अब इस बात को यहीं खत्म कर, और दोबारा मैं तुम्हारे मुंह से ये बात ना सुनूं। पता है कबीर आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं इस घर में घुट घुट कर मर जाऊं मैं। साथिया
क्या हुआ, तुम रो रही हो? छोड़े आप, आप बताएं कैसी हैं आप, मामा कैसी हैं? हम ठीक हैं, लेकिन तुम ठीक नहीं लग रही हो। फिर से कोई बात हुई है? ये तो रोज का ही मामूल है। कबीर ने कुछ कहा है? फलक कुछ बताओ कि भी। आपको बताऊंगी तो क्या होगा, आप यहाँ आकर बात करेंगे। आना पड़े तो आ भी जाएंगे, लेकिन बताओ कि हुआ क्या है। कबीर ने आधा बिजनेस आलिया भाभी के नाम कर दिया। तो आधा तो उनका पहले से ही था, क्या बाकी भी उनके नाम कर दिया? नहीं, वही वही हिस्सा। पहले पेपर्स में आलिया भाभी के नाम नहीं था, जब कबीर ने अलग से पेपर बनवा लिए हैं। फलक, वो पहले ही आधे बिजनेस की मालिक है, अगर नाम कर दिया तो क्या हुआ? इसमें तुम दोनों का तो कुछ नहीं जा रहा, इसमें रोने वाली और परेशान होने वाली कौन सी बात है मेरी जान? जब बिजनेस का आधा हिस्सा हो रहा था, फिर घर का क्यों नहीं? मैंने कबीर से कहा कि घर का आधा हिस्सा मेरे नाम करते, पर वो सुनते कहा है, उल्टा मुझे डांट दिया। बताए क्या मेरा कोई हक नहीं है इस घर पर? अपने हक की बात की तो नाराज हो गया। फलक, बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम। कबीर के पास जो कुछ भी है तुम्हारा ही है ना? क्या खाक मेरा। एक लड़की जो हर वक्त किसी डर में रहे कि आज नहीं तो कल उसे घर से निकाल दिया जाएगा, आप खुद बताएं। अगर घर का हिस्सा मेरे नाम होगा तो मेरी भी तो कोई सिक्योरिटी होगी ना, कम से कम कोई मुझे घर से बाहर तो नहीं निकाल देगा ना? तो आप तो रहने ही दे, मेरी बात को ना तो कबीर समझेंगे ना ही आप। मैं बाद में बात करूंगी आपसे। मामा को सलाम कहिएगा मेरा। क्या कह रही थी, क्या हुआ है, सब खैरियत है ना? कुछ नहीं, बस कबीर ने डांटा है उसे। कबीर ने किस बात पर? मेरी बात तो करवा देती तुम नवाल। कल कर लीजिएगा आप बात, अभी मत कीजिएगा, बहुत जज्बाती हुई। खुश तो बहुत होंगी ना, मेरे शौहर को भिला फुसला कर आधा बिजनेस अपने नाम करवा लिए। दाद देनी पड़ेगी वैसे। कैसी बातें कर रही हो, तुम होश में तो हो? सारी जिंदगी सांप की तरह फन फैलाए मेरे शौहर के बिजनेस पर काबिज रही हैं आप, और अब थोड़ी सी मदद क्या कर दी, आधा बिजनेस अपने नाम करवा लिया। वाह, दाद देनी पड़ेगी आपको। चालबाज मुझे कहती है ना, आप खुद को देखा है कैसा फूल प्रूफ प्लान बनाया, आपकी मकारियों तक तो पहुंच ही नहीं सकती मैं। वो कबीर, वो तो सदा का बेवकूफ है, ये जानता ही नहीं कैसे कैसे सांप आस्तीन में पाल रहे हैं। खबरदार, जो एक भी और बकवास की तुमने तो, लिहाज करें उसका ये मतलब नहीं, जो मैं बोलती चली जाओ। तुम्हारी इस तकलीफ का जाला मैं तो नहीं कर सकती, मुझे लगता है कोई भी नहीं कर सकता। और ये घर, ये बिजनेस, इस सब की जरूरत मुझे नहीं है, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास जो है काफी है। आपकी मकारियों तक तो पहुंच ही नहीं सकती मैं, सारी जिंदगी सांप की तरह फन फैलाए मेरे शौहर के बिजनेस पर काबिज रही हैं आप, थोड़ी सी मदद क्या कर दी, आधा बिजनेस अपने नाम करवा लिया। वो कबीर, वो तो सदा का बेवकूफ है, ये जानता ही नहीं कैसे कैसे सांप आस्तीन में पाल रहे हैं। तो की भाई, जब से आपने मुझे इस घर की जिम्मेदारी दी है, तब से ही मुझे ताने देती रहती है, बुरा भला कहती रहती है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप सारी जिम्मेदारी भाभी को वापस दे दें। मेरे घर की बुनियादें हिला दी हैं उसने, यहाँ जो कुछ हो रहा है उसको बढ़ावा देने वाली फलक है, ना गलत फहमियों का बीज उसने बोया है। मेरा यकीन नहीं करना ना, ना करे, जिस दिन फलक का नकाब उतर गया ना, तो आप सब पछताएंगे। भाभी, ना तो मैं कोई इल्जाम लगा रही थी और ना ही कोई ड्रामा कर रही, बस इतना ही कहूंगी कि अपनी बेटी की तरबियत अपने जैसी मत करें। वो ऊपर से जितनी मांगो हम दिखती है ना, अंदर से उतनी ही वो नाम दिखे। वक्त दिखाएगा कि मैं ठीक थी।
जब सब कुछ धड़ाम से गिर जाएगा ना तब समझ आएगी आप लोगों को। ये क्या कर दिया मैंने? या अल्लाह मैं क्या मुंह लेके जाऊं अलिया के सामने? घुटन होती है अब मुझे मां। कबीर ना मेरी कोई बात सुनते हैं ना मानते हैं, और ऊपर से आलिया भाभी भी जहरीली बातें करके इतने ताने देती हैं, मेरा दिल चीरा जाता। तो आप ही बताएं कहाँ जाऊं अब मैं, क्या करूं? परेशान ना हो बेटा, मैं बात करूंगी कबीर से, समझाऊंगी उसे। ऐसा कैसे कर सकता है वो तुम्हारे साथ? उसे तुम्हें तुम्हारा हक देना पड़ेगा। लावारिस हो क्या तुम? बात करिए मामा, पहले भी तो समझाया था, क्या फर्क पड़ा? किस तरह मना कर लेकर गए थे, ये करेंगे वो करेंगे खुश रखेंगे मुझे तो ऐसा लगता है कि घर में पड़ी कोई फालतू सी चीज जिसके होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मम्मा कबीर बदल गया है, वो इंसान ही नहीं है जिससे मैंने शादी की थी। परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम रोना तो बंद करो, अलग संभालो खुद को बेटा। छलकात ठीक होगा मामा, कबीर ने तो जैसे अपने कान आके सब बंद कर दिए, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता, मेरी तो कोई परवाह ही नहीं है उन्हें। चल चलो हिम्मत करते हैं, ऐसे नहीं रोते। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? कबीर की वजह से परेशान है। फलक मैंने इतनी दफा कहा है कि प्लीज परेशान मत हुआ करो, सब कुछ ठीक हो जाए। अच्छा चलो अपने आंसू पहुंचो, ये लो मुंह मीठा कर। मिठाई किस खुशी में भाई, खा लो बहन कह रही हो तो। चलो कर लिया, अब बताओ। आओ मेरे साथ, आओ तो सही, आप भी आए। चलो भाई क्या दिखा रही है? देखें किसकी है नवान? मेरी है और किसकी है? अरे वाह माशाल्लाह, कहाँ से आई है? हमजा ने दी होगी। अरे नहीं नहीं, कंपनी की तरफ से है, एक हफ्ते पहले बुक करवाई थी, आज आ गई। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, अल्लाह बहुत मुबारक करे। चले तो इसी खुशी में आज मैं आप दोनों को डिनर करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक ड्राइव पे जाएंगे। ठीक। नहीं नहीं मैं तो घर जाऊंगी, कबीर वेट कर रहे होंगे। अरे कबीर से मैं खुद बात करूंगी, वो नहीं रोकेंगे। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। भाई क्या बात है, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे इस तरह? बस कुछ नहीं, ऐसे ही। भाई परेशान लग रहे हैं आप। घर के मामलात को लेके परेशान हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब कब तक ऐसे चलता रहेगा। भाई देखें, घर में जब साथ रहते हैं तो इख्तलाफात हो जाते हैं, इसी तरह आलिया भाभी और फलक के दरमियान भी छोटी छोटी बातों पर इख्तलाफात हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो दोनों जल्दी समझ जाएंगे। वैसे कबीर क्या लगते हैं तुम्हें, कौन गलत है? भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। कुछ मामलात में फलक गलत है, कुछ मामलात में आलिया भाभी। Excuse me, भाई। हमजा के कौन है? Hi, हमजा, how are you? I'm fine. तुम कैसे हो? I'm good. इस वीकेंड पे मैं अपने कुछ फ्रेंड्स को डिनर पे इनवाइट कर रहा हूँ, अपनी एंगेजमेंट की खुशी में। तुमने अपनी फैमिली के साथ जरूर आना। Great. I'll be there. मैं जरूर आऊंगा। कल इनविटेशन कार्ड भी मिल जाएगा। मैंने सोचा एक बार खुद पर्सनली कॉल कर दूं। थैंक यू यार, मैं जरूर आऊंगा। अकेले नहीं, फलक को भी जरूर लाना। फ्रेंड्स विद फैमिली, ओके?
ओके ओके सी यू देन बाय। हमजा की कॉल थी, डिनर पे इनवाइट कर रहा था। अच्छा तो हम क्या बात कर रहे थे भाई? अब मुझे बताओ कि ये जो नए लोग जिनके साथ हमने बिजनेस शुरू किया है, कौन है ये लोग? आ गई तो आंटी और नवाल कैसी? ठीक है कबीर, मुझे गाड़ी चेंज करनी है। गाड़ी चेंज करनी है? बैठे बैठा गाड़ी चेंज करने का ख्याल कहाँ से आ गया? हाँ तो जब से इस घर में आई हूँ एक ही गाड़ी चला रही हूँ, बोर हो गई हूँ मैं। आप बुक करवा रही हैं, मैं खुद करवा लूँ? फलक, अभी मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर लो। क्या मतलब है, पैसे नहीं है आपके पास? अरे यार मैं ये कब कह रहा हूँ कि पैसे नहीं है मेरे पास, पैसे हैं लेकिन थोड़ा सा वेट कर लो ना, दिला दूंगा। तो फिर ये कहना कि आप दिलाना ही नहीं चाहते? अना क्या हो गया तुम्हें? ये तुम इधर देखो, बात बात पे तंज क्यों करने लगे हो? तो क्या ना करूं कबीर, आप मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करते। शादी से पहले भी मेरी इतनी ख्वाहिशें थी, मैं मांगती हूँ, हमारे घर इतने वसाइल नहीं थे, मगर नवाल आप ही ने मुझे कभी इनकार नहीं किया था। और आप, आपके पास ना तो वक्त होता है मुझे देने के लिए, ना मेरी बात सुनते हैं आप कुछ। अगर मैं कुछ कहती हूं तो मुझे डांट देते हैं, ना मेरे साथ कहीं बाहर जाते हैं, कुछ भी तो नहीं है हमारी जिंदगी में कबीर। मैं कहां स्टैंड करती हूं? जब से इस घर में आई हूं हर चीज के लिए तरसना पड़ता है, मैं तंग आ गई हूं, दम घुटता है मेरा यहां पे। क्या हुआ है, आप कमरे में ही बैठे हुए, कब से खाना नहीं खाने आएंगे? नहीं भूख नहीं है मुझे, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है मेरी। क्या हुआ है तबीयत को? एक टेम्परेचर तो नहीं है, तो फिर क्या हुआ है आपको, सही है? बोलिए इधर आओ बैठ। आडिया अगर मैं तुमसे माफी मांगू तो क्या माफ कर दूंगी मुझे? इस बात की माफी तो फिर अपनी आंखें बंद रखने की, अपने कान बंद रखे मैंने, तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं किया मैंने। तुम्हें पता है आलिया, अच्छे लोगों में एक खराबी होती है, वो अपनी तरह सभी को अच्छा समझ लेते हैं। पर यही गलतफहमी मुझे फलक के बारे में भी हुई, उसे भी अच्छा समझ लिया मैं। प्लीज माफ कर दो मुझे। क्या? प्लीज माफ कर दो। क्या कर रहे हैं आप तबके? देखो मुझमें हौसला नहीं है अपनी गलती का एतराफ करने का। प्लीज आडिया, तुम्हारे यकीन नहीं किया मैंने, तो मैं झूठा बुरा भला पता नहीं क्या कुछ नहीं बोला। आडिया मैं बहुत शर्मिंदा हूं, प्लीज। तबके क्या हुआ है आपको? तबके क्या हो रहा है आप, ठीक है? नहीं मेरे में जस्ट पेन बहुत ज्यादा हो रही है, मुझे लग रहा है मेरी जान निकल। ये पानी भी है तौकीर। आलिया मुझे लग रहा है मेरी जान निकल। तौकीर, तौकीर, ऐसे कबीर।
आप ही हौसला रखें, कुछ नहीं होगा तो के भाई को बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। देर हो गई, डॉक्टर बाहर ही नहीं आ रहे। कबीर कबीर तुम पूछो ना किसी से कि कोई तो बता दे दो कि कैसे ना होश आया या नहीं। भाभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने पूछा था उनसे, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। आप परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, बस आप दुआ करें अल्लाह से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कबीर, आप दोनों हिम्मत रखे, हौसला रखे, कुछ नहीं होगा भाभी। डॉक्टर साहब अब क्या पोजीशन है उनकी? जी खतरे की कोई बात नहीं, उनकी हालत अब काफ़ी बेहतर है। शुक्रिया। मैंने कहा था ना भाभी भाई ठीक हो जाएंगे। होश आ गया उनको? होश में तो नहीं आए, लेकिन थोड़ी देर में होश में आ जाएंगे। एंजाइना का माइनर सा अटैक था, इस वक्त उन्हें ज्यादा से ज्यादा रेस्ट की जरूरत है। बिल्कुल आप परेशान मत हो, हम एहतियात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। मैंने कहा था ना भाभी भाई ठीक हो जाएंगे, छोटा सा अटैक है, आप प्लीज परेशान मत हो, हौसला करें। बेटे कबीर क्या हुआ, तो कीर भाई को होश आ गए, कैसे हैं वो? कीर भाई को पहली बार मैंने आज इस हालत में देखा है, फलक सांस उनकी उखड़ रही थी और दम मेरा घुट रहा था। ऐसी बातें कर रहे हैं आप, इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे कबीर। कोशिश कर रहा हूँ लेकिन लेकिन इस हालत में उन्हें देखकर ना मैं खुद को गिरता महसूस कर रहा हूँ। मैं उन्हें कैसे संभाल सकता हूँ जिन हाथों ने मुझे संभाला है, कैसे संभाल सकता हूँ मैं? बस दुआ करो कि तौकीर भाई को कुछ ना हो, उन हाथों को कुछ ना हो जो जो मेरे लिए दुआ में उठते हैं। कैसी बातें करें आप कबीर, इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो बहुत जल्द ठीक होकर घर चलेंगे हमारे साथ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस क्या रखे हैं? अच्छा तुम थक गई होगी, तुम घर चली जाओ, आप भी तो थक गए होंगे। लेकिन मैं भाभी को यहाँ अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ, कोई तो यहाँ होना चाहिए ना उनके साथ, उन्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। प्लीज तुम चली जाओ। मैं समझ सकती हूँ लेकिन घर जाकर भी तो मुझे यहाँ की टेंशन रहेगी। मैं जानता हूँ फलक तुम भी परेशान हो, लेकिन हफ्सा घर पे अकेली है, कोई तो जाएगा ना वहाँ पर उसका ख्याल रखने के लिए, वो बेचारी रो रही होगी। आप कहते हैं तो मैं चली जाती हूँ, वरना मेरा दिल नहीं आपको यहाँ अकेला छोड़ कर जाने का। आप इसे मनु फिर निकलती हैं। ठीक। चाची 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 मुझे मम्मा पापा के पास जाना है। सोई नहीं अभी तक? ये बड़े साहब और आलिया बीबी के पास जाने की जिद कर रही थी। मुझे मामा पापा के पास जाना है, आप प्लीज मुझे उनके पास ले जाएंगी? अच्छा तुम अभी सो जाओ, जाकर सुबह ले जाऊंगी। मगर मुझे अकेले नींद नहीं आती, मम्मा मुझे हर रोज सुलाती हैं। आज आपको फलक चाची सुनाएंगे। चलो चाची जाओ अपने कमरे में जाओ। मगर आंटी का आप मुझे सुनाएंगी? जितना कह रही हूँ ना उतना सुनो, अपने कमरे में जाओ, इसे इसके कमरे में लेकर जाओ, सुलाओ इसे
और आते में मेरे लिए कॉफी दे जाओ ऊपर कमरे में।